तू भाई चावल लगे बनाने छोटू भाई, दाल तू बना लेना। कौन से चावल हैं? जो हमने चावल लिए थे वो खत्म हो गए थे, जो 20 किलो लिए थे वो चल रहे हैं ना कुल्लू में भाई। राशन छोड़ा था मैंने इनके लिए ना नीचे रूम के, मेरे जहाँ मेरा रूम है वहाँ से नीचे थे ये ब्यास के किनारे बैठे हुए, तो देखा होना ब्लॉग में आपने, तो अभी तक वही राशन चल रहा है इनके पास। कई 100 किलोमीटर आ गया है नीचे, 250-300 किलोमीटर नीचे आ गए हैं अब। जमान जी अगर सरचू चले जाएं आजकल आप तो लिंगटी घाटी, फिर भी क्या होगा, पता कितना बर्फ पड़ा है वहां पे, कितना पड़ा होगा फुटों के हिसाब से है, बेहद काम है वहां जी। और क्या तो भाई अपने भेड़ पालकों का ना कुकर रखने का स्टाइल बड़ा तगड़ा है, मतलब ऐसे रखा था पूरा, मतलब टेढ़ा करके, अगर सिटी आएगी तो ऐसे जानी थी निचले वाली तरफ, निचले पहाड़ों की तरफ जानी थी सिटी इनकी। मान जी फिर देखा सीधा अब तो हुआ सीधा ना बूटी का असर हुआ कुछ कम की नहीं हुआ, वैसा चल रहा है बना सरूर बढ़िया ना। जय बोले तो भाई ये बनाई मान जी ने रोटियां ना कुत्तों के लिए, और देखना कितने एमएम की है रोटी ये, अब मुझे बताओ कि कितने एमएम की रोटी होगी ये, कितनी थिकनेस है इसकी। पिज्जा जो पिज्जा होता है ना उसका बेस होता है ऐसे जैसे, मतलब इसे पतला होता होना थोड़ा कुत्तों के लिए, थोड़ी सी पतली रोटी बने ना अगर ऐसे आदमी के लिए, और फिर ऐसे जैसे अंगारों पे पकाए उसको तंदूरी जैसे, तब तो भाई क्या ही बात है। ओ छोटू भाई कुकर टेढ़ा हो गया फिर से भाई, जा रहा था भूख कम पाया छोटू भाई कल परसों, सारे आया था इधर, आपको लगा पता कुत्ते भौंकने थे आपके उस टाइम पे ज्यादा, शाम के टाइम आया था 9 बजे आसपास आज आओ परसों जैसे, वो टाइम आपसे सही होंगे तब लगा पता आपको है ना कुत्तों ने भौंकना था ज्यादा, इनको लग जाता है पता ना ऐसा जैसा कुछ हुआ है सीन पानी। तो भाई फाइनली खाना वगैरह तैयार हो गया अपना, लंच भेड़ पालकों के साथ अपने मान जी और छोटू भाई के साथ खाना होगा, अभी लंच करेंगे हम। और यहाँ भाई धूप भी नहीं है आज, थोड़ा मौसम ठंडे वाला मौसम है। चावल चावल दाल ये खाएंगे हम, हमारे मान जी जी आसन लेके बैठ चुके हैं, छोटू भाई खाना सर्व करेंगे। कौन खाना कौन डालेगा आज, आज डालेगा तू खाना, मैंने तो कभी किया नहीं ये काम। भाई कुकर की ना जो गैस होती है स्टीम निकालने का तरीका देखो आप मान जी का, ऐसी दुनिया में कोई बंदा नहीं स्टीम निकालता होना। मान जी क्या किया, कुकर उड़ जाए ऐसे तो वो नहीं उड़ता, उड़ जाएगा तो फिर भी देखेंगे क्या होगा, खाली आसमान है ऊपर चला जाएगा ऊपर तक, खाली कहाँ है पेड़ है ऊपर टकराएगा फिर नीचे आएगा नहीं। फिर सिर पे गिरेगा हमारे, इधर को भागेगा, इधर को कैसे भागेगा, लगा दी बंदे ने सिटी फिर से गैस बन गई छोटे नमक नमक देखो जरा ठीक है ना, मान जी नमक देखो कैसा है, नमक दाल का टेस्ट बताओ कैसा बना, बिल्कुल ठीक जबरदस्त जिंदाबाद, जब तक खाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं है। तो भाई ये आज का लंच, आज हम खाएंगे ये मसर की दाल और ये चावल, और बाकी सामने का व्यू भाई कुछ इस तरह का, और मेरे राइट हैंड साइड को कुछ इस तरह का व्यू, और
ये आग जल ही रही है अभी तक यहाँ पे। और छोटू भाई, मान जी, और लेफ्ट हैंड साइड को इस तरफ से इनकी भेड़ बकरी है, और ये व्यू और ये जंगल। तो भाई अभी हमने लंच वगैरह कर लिया, मांझ लगे हैं अपने कुत्ते को खाना खिलाने। लकड़ी वाले अंकल की अबुत्र आ जा, आ रोटी खा, आ जा आ जा, दांत मत दिखा, आ जा आ जा, आ रोटी। अरे तो आएगी जूली, ए आई जूली शिल्पा, ये है शिल्पा। और एक ही आ जा, खा ले खा ले। अच्छा ये लगा भाई रिखी खाना खाने हैं, मजे लगे, मजे आपके, मार तो मजे ही है जिंदगी में। तो भाई अभी दिन के एक लगे हैं बजने, और ये बंदे सो गए थे थोड़ी देर के लिए, रेस्ट किया इन्होंने, मैं तो बैठा ही था, मतलब मैंने क्या ही करना। तो अब जा रहे हैं बकरियों के पास, छोटू भाई जा रहे हैं ऐसे, ये जाएंगे आगे क्योंकि इनकी बकरियां यहाँ चली गई, देखो ये नीचे, और बाकी माल जाएगा अब नीचे, ये भीड़ बकरियाँ जाएगी नीचे को, ऐसे सारी नीचे जाएगी, ऐसे नीचे से वाला आगे करेंगे परे को, इनको ऊपर से फिर ऊपर करेंगे। क्यों डर रही है बकरियाँ, क्या हो गया? और मांझ रहेंगे पीछे, और आगे लीड करेंगे हमारे छोटू भाई वहाँ पे, ये हमारे कमांडेंट आगे वाले, और पीछे वाले हैं इधर ये मांझी जी, और हम यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं पे भाई, बहुत मुश्किल है हमारा जाना। मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भला भाई एक पूरा दिन के साथ जंगल में जाओ, बट इस वाले जंगल में यार थोड़ा मुश्किल है, इसमें ना वो एक अजीब सी घास होती है सारे वो। यहाँ पे भाई फाइट चल रही है, फाइट, ये फाइट, जबरदस्त टक्कर है इनकी आज। मान जी गए समझौता करवाने, मान जी करवाओ समझौता करवाओ इनका। तो भाई ले गए बकरियां सारी अब जंगल में, शाम के टाइम 4:30-5 बजे तक आ जाएंगे क्योंकि अंधेरा के लिए बहुत जल्दी हो जाता है ना, और उनकी कुश्ती खत्म ही नहीं हो रही है। ये तगड़ी कुश्ती हो रही है भाई आज। मान जी समझौता करवाओ इनका यार, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट अलग अलग करो पकड़ के इनको। नहीं यार, मां जी बता रहेंगी जब तक इनमें से ना कोई एक डर नहीं जाएगा तब तक नहीं ये मानेंगे। वो भाई तगड़ी कुश्ती चली है। मां जी को मुश्किल होगी समझौता करवाना भाई। और मां जी कितनी मारनी, और छुड़ा भी रहे और साहब आज बोल रहे हैं कहाँ हटना उन्होंने, कलकत्ते वाला कौन सा है? कलकत्ता।
मांझी मार भी रहा है इनको ना, शाबाश भी दे रहा है। सारी बकरियां चली गई भाई यहाँ नीचे ना, दूर दूर जूम किया हुआ है मैंने। ये दो बकरे लगे हुए हैं फाइटिंग की। मांझी जी ओके भाई, सींग से पकड़ लो एक और ले जाओ आगे, पकड़ लो एक को ऐसे ले जाओ साइड करके, ले जाओ ऐसे ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। मांझी बोले बोले मुझे मारने लग पड़े हैं ये। ओए इधरा, तो वही हमारे मामा जी आ गए हैं घर से वापस, और इनके जब भी आते हैं तो इनके कुत्ते इनके पीछे पीछे पूरा इनके इनको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये छोटू मराती आया ना, मर्चू ले मर्चू, ये भाई मस्ती चल रही है इनके, मस्ती टाइम है ये, फाइट नहीं है ये। मर्चू शाबाश, छोटू भाई क्या चल रहा है ये? भाई मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्यार प्रेम चल रहा है। ये नहीं ज्यादा प्यार करता है मर्चू? मर्चू शाबाश, मर्चू शाबाश। तेंदुआ आया, वो तेंदुआ, तेंदुआ आया, तेंदुआ। हाँ नहीं, वो वाला डॉगी भाई ज्यादा अग्रेसिव है इनका ना, और ये वाला नहीं है, ये ब्लैक डॉग है, ये दूसरे वाले फीमेल डॉग है। ओए